समझा जा सकता है कि जिस तरीके से उमड़ घुमड़ कर कड़कड़ाती बिजली के साथ बड़े तूफान के साथ में बारिश आती है, और बारिश आने के बाद नदी नाले के अंदर जो कचरा होता है गंदा वो साफ हो जाता है, उसी तरीके से जोहार नाम का ये तूफान आया है, और इस तूफान से जितने भी कमल कांग्रेस के लोग हैं वो साफ हो जाने वाले, इसलिए हम लोगों को इसी आदिवासी परिवार जल जंगल जमीन से रोकने के लिए जो संधिकरण हुआ उसी तरीके का दोस्तीकरण संधिकरण आज पुनः हो रहा है। तो आज के समय में हमारे जो पुरखे हमारे पूर्वज जिन लोगों ने हमारे लिए अधिकार बचाए हमारे लिए जल जंगल जमीन बचाया उसी तरीके से आज हमारे जितने संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं कानून में उन अधिकारों को बचाने के लिए हम लोगों को पुनः यह आंदोलन खड़ा करना होगा। और यह आदिवासी परिवार का बहुत बड़ा विचारधारा चल रहा है, जो मुआवजा दिया गया उसी तरीके से मुआवजा मिलना चाहिए, और जिस तरीके से परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग को भी हम लोगों को पुरजोर तरीके से रखनी चाहिए, ये बात इस मौके पर कहना चाहता हूँ। और हमारे सभी तमाम STSC समुदाय के सभी भाइयों से सभी बहनों से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोगों को आज के बाद ये संकल्प लेना होगा कि आने वाले समय में 2023 का ये विधानसभा चुनाव आ रहा है, उस समय आप लोगों से दिनों में हमारी आम राय बनेगी, आम राय के आधार पर हम लोग हजारों की संख्या में इस पूरे उदयपुर को जाम करने की ताकत के साथ हम लोगों को कुछ करना होगा, ये बात इस मौके पर कहना चाहता हूँ। और साथ ही हमारे बीच में हमारे प्रदेश के से हमारे वैचारिक गुरु माननीय कांतिलाल गुरु साहब आपके बीच में, वो आपको बहुत